दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 97 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है बैकपैक। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर रहे होते हैं, और लास्ट में फ्लैशी फ्लैश उन दोनों को अपने स्पेशल मूव से खत्म कर डालता है। और जब फ्लैशी फ्लैश आगे जाने लगता है तब उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसमीटर उस जगह पर गिर गया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जो अपनी वॉच के अंदर दूसरे हीरोज की लोकेशन देख रहा होता है और सोचता कोई अभी बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा था, शायद तक वो फ्लैशी फ्लैश होगा। लेकिन कुछ समय से वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका ट्रांसमीटर खराब हो गया है। और देखा जाए तो अभी तक अटैक टीम के एक भी मेंबर के साथ कुछ दुर्घटना नहीं हुई है, और वैसे भी सभी हीरो समझदार हैं तो वो लोग खुद को संभाल लेंगे। अगर वो लोग सचमुच कोई बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तो वो लोग मदद के लिए सिग्नल भी भेज सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, मैं तो बस यही चाहता हूँ एक बार हम हॉस्टेज को रेस्क्यू कर लें तो मॉन्स्टर से फाइट करने के टाइम हमारे दिमाग पर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। मेरा काम ये है उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन दूं वो लोग उसकी मदद से बिना कोई प्रॉब्लम के अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाएं। इसी वजह से मैं मीटिंग के दौरान ज़्यादा नहीं बोल रहा था, ताकि मैं फालतू बातों को अवॉइड कर सकूं। लेकिन हमारे पास अभी जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी हमें जिताने जितनी नहीं है। तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, और जैसे ही वो चाइल्ड एम्परर पर अटैक करने जाता है तो उसके पीछे भी एक अलार्म बजने लगता है, और उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे होल हो जाते हैं। और ये काम चाइल्ड एम्परर के रोबोट का होता है, जिसका नाम मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8 होता है। और उसके रडार में आने के बाद वो अपने अपोनेंट को तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद चाइल्ड एम्परर एक रूम में पहुंच जाता है, और वो मेटल नाइट के टूटे हुए रोबोट को देखता है और सोचता मेटल नाइट ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रोबोट बनाया था, लेकिन फिर भी ये टूट गया। भला टूटेगा कैसे नहीं, इस पर मॉन्स्टर किंग ओरोची ने अटैक किया है, लेकिन ऐसा कैसा अटैक किया है जिससे ये पूरा टूट गया। मैं सच कहूँ उस चीज से तो मिलना ही नहीं चाहता। वैसे तो मेटल नाइट ने मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही उसके रोबोट में से निकाल लेता हूँ। अरे इसके अंदर तो मॉन्स्टर की बातों की रिकॉर्डिंग और उनके थोड़े छोटे मोटे प्लान्स की जानकारी है, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस कैसे भी करके हॉस्टेज की लोकेशन देखनी है। इस मशीन के पार्ट जिस तरह से रखे हुए हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है किसी ने वापस से इसे जोड़ने की कोशिश की है, और इनमें से कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल सही तरीके से वापस से बनाया, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। तो सचमुच मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों के पास ऐसे मॉन्स्टर हैं जो रोबोट्स के काम में एक्सपर्ट हैं। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो हम और भी ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये फाइट कर सकते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी मॉन्स्टर ने भी यूज़ कर ली तो उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, ये एक और चिंता वाली बात हो गई। आखिरकार मुझे मिल गया, क्या बात है, इसके अंदर तो पूरा मैप है जो सीधा हॉस्टेज के रूम में जा रहा है। मेटल नाइट के पास इतनी सारी जानकारी थी फिर भी उसने मुझे कुछ बताया नहीं। खैर छोड़ो, गुस्सा करने से क्या फ़ायदा होगा, मेरे पास हॉस्टेज की पूरी जानकारी है तो पॉजिटिव सोचता हूँ, इरिटेट होने से मेरा दिमाग और ख़राब हो जाएगा। चलो एक लंबी सांस लेकर कुछ मीठा खाता हूँ। तभी चाइल्ड डंपर के सामने मिनी ऑक्टा टैंक के टुकड़े आकर गिरते हैं, और वो फ्योनिक्स मैन होता है और बोलता, क्या तुमने ये बनाया, कितना बचकाना डिज़ाइन है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे कोई खेलने की जगह है, तुम तो काफ़ी यंग और बहादुर हो, और इसी बात से मुझे थोड़ी जलन हो रही है। और भले तुम बच्चे हो तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम पर कोई नरमी दिखाऊंगा। तो चाइल्ड एम्परर बोलता, क्या तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर में से एक हो। तो फ्योनिक्स मैन बोलता, नहीं मैं लीडर तो नहीं हूँ, तुम मुझे उनके थोड़ा बराबर समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे हायर रैंक्स में गिना जाता है। मैं जिस चीज़ की नौकरी कर रहा हूँ ना उसमें पावर से ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती है, क्या तुम्हें समझ में आया। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, तुम्हारे जैसे बच्चे ये बात नहीं समझ पाएंगे जो एक बेकार सा हीरो का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुम एवरेज लोगों से थोड़े समझदार हो, और इसीलिए तुम्हें एस क्लास हीरो बना दिया और तुम्हें फेमस कर डाला, और इसका नतीजा ये हुआ कि तुम इस जगह पर मरने वाले हो। तुम्हें अपने बुजुर्गों से लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ खुद पर भरोसा है, मेरे लिए तो मॉन्स्टर एसोसिएशन आगे बढ़ने का एक कदम है, और जल्दी मैं ओरोची से उसका किंग का टाइटल भी छीन लूंगा। मैं हूँ फ्योनिक्स मैन, मैं इस कॉस्ट्यूम को नहीं निकाल सकता, और जब ये बात मुझे पता चली तब तक तुम एक मॉन्स्टर बन चुका था। चाइल्ड एम्परर, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है और तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें बिना दर्द के तुरंत मौत दे दूंगा, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
और फ्योनिक्स मैन अपना बीक अटैक करता, लेकिन अचानक फ्योनिक्स मैन किसी चीज से टकरा जाता है। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है, जब तक तुम अपनी बकवास कर रहे थे तब तक मैंने इसे वायर से बांध दिया। ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है जो ऐसे अचानक होने वाले अटैक के सामने काफी असरदार है। इसे तुम पेपर रोल की तरह और कैंडी रैपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना काम की चीज। लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, मैंने इसका इनविजिबल वॉल नाम रखा है, लेकिन एंगर सील ज्यादा अच्छा लगता है। पहले मैंने सोचा तुमसे आराम से बात करके तुम्हें पकड़ लूंगा और तुमसे हर चीज की जानकारी लूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है। और चाइल्ड एम्परर अपने बैग में से बहुत सारे टूल्स निकालता और फ्योनिक्स मैन को तो पूरा चीट डालता है। उसके बाद चाइल्ड एम्परर बोलता, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन कोई भी कभी भी टॉप पर नहीं रह सकता, फिर वो चाहे हीरो एसोसिएशन हो या मॉन्स्टर एसोसिएशन हो। है, ये बात तो मुझ पर भी लागू करती है। और वैसे शुक्रिया, अब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया है। उसके बाद कुछ मॉन्स्टर एक कीज के बाहर खड़े होते हैं, तभी एक फ्रॉग वगान माँ के पास आ जाता है और सीधा वगान माँ के चेहरे पर चिपक जाता है, जिसके कारण वगान माँ आवाज करने लगता है। तो वो मॉन्स्टर बोलते, ओए क्या हुआ, चुप क्यों नहीं हो जाते। तो एक मॉन्स्टर बोलता, उसने अचानक आवाज करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, चलो उसे खा लेते हैं, वैसे भी हीरोस ने यहाँ पर अटैक कर दिया है तो हॉस्टेज की जान ज्यादा मैटर नहीं करती है। तभी वहाँ पर धुआं होने लगता है, तो एक मॉन्स्टर बोलता है कि धुआं कहाँ से आ गया, और धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर मरने लगते हैं और उस केज को कोई काटने लगता है, और वो चाइल्ड एम्परर होता है और बोलता, वगान माँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी हाइड्रो जेलीफिश चाइल्ड एम्परर पर अटैक कर देता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता, ये मॉन्स्टर पॉइजन से कैसे बच गया, और अपने बैग में से एक लेजर शॉट निकालता और हाइड्रो जेलीफिश पर अटैक करता है, लेकिन हाइड्रो जेलीफिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रो जेलीफिश बोलता, बस तुम इतना ही कर सकते हो। तो चाइल्ड एम्परर सोता, ब्लेड इस पर काम नहीं करेंगे। तभी चाइल्ड एम्परर अपने कुछ और वेपन से अटैक करता, फिर भी हाइड्रो जेलीफिश को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता, जैसा मैंने कहा था मुझे काटने और मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखने से तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए कोई तरीका नहीं है, आखिरकार लक मेरी तरफ है और मैं एक एस क्लास हीरो का सर ले जाऊंगा, और ये कितना आसान है। तभी चाइल्ड एम्परर हाइड्रो जेलीफिश पर कुछ डालता है, तो हाइड्रो जेलीफिश बोलता, ये क्या चीज है। तो चाइल्ड एम्परर बोलता, ये पेट्रोल है, और हाइड्रो जेलीफिश को तो पूरा जला डालता। उसके बाद चाइल्ड एम्परर और वगान माँ वहां से चले जाते। उसके बाद चाइल्ड एम्परर बोलता, अब तुम किरो किरो मास्क को निकाल सकते हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वगाना बोलता, मुझे तो भूख लगी है। तो चाइल्ड एम्परर बोलता, तुम इस न्यूट्रिशन जेली को पी सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे चलते चलते पीना होगा क्योंकि हम रुक नहीं सकते। तो वगाना बोलता, तुम तो एस क्लास हीरो चाइल्ड एम्परर हो ना, सही में तुम बहुत लेट आए हो। और चाइल्ड एम्परर उसे बहुत गुस्से से देखता, तो वगाना बोलता, ओह माफ करना। उसके बाद चाइल्ड एम्परर एक टैंक निकालता है और बोलता, आगे कुछ भी हो सकता है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें इस रेडियो कंट्रोल रोबोट की मदद लेनी चाहिए। और चाइल्ड एम्परर सोचता, अब मुझे हर कदम को ध्यान से रखना होगा ताकि वगान माँ को मैं जितना हो सके उतना मुसीबत से दूर रख सकूं। और चाइल्ड एम्परर उस रोबोट को आगे भेजता है, और जैसे ही वो एक गली के पास पहुंचता है तो वो फायर करता है, लेकिन वो टैंक ही ब्लास्ट हो जाता है और वहां से मशीन गॉड G5 निकलता है, जो बोलता, ये तो हीरो है, वैसे तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। और चाइल्ड एम्परर सोचता, ये मशीन टाइप का है तो मुझे ये यूज करना चाहिए। और चाइल्ड एम्परर एक फ्लूट बजाता है और उसके बैग के अंदर से बहुत सारी मिसाइल निकलती है जो मशीन गॉड G5 के आसपास गिरती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक निकलने लगते हैं। और चाइल्ड एम्परर बोलता, इस मशीन की मदद से हम इस रोबोट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, इन मिसाइल के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भरा हुआ है जो इसे जबरदस्ती स्विच ऑफ करने पर मजबूर कर देगी। तो वगानमा बोलता, अच्छा है, मैं इस रोबोट को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मशीन गॉड G5 उन सभी मिसाइल को तोड़ डालता और वो चाइल्ड एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है। तो चाइल्ड एम्परर बोलता, वगानमा पीछे हट जाओ। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहले बात करते हैं, जब चाइल्ड एम्परर बोलता है कहीं फ्लैशी फ्लैश का ट्रांसमीटर खराब तो नहीं हो गया, तो दोस्तों वो खराब नहीं हुआ है। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर के लास्ट में फ्लैशी फ्लैश का ट्रांसमीटर खो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसमीटर वहीं पड़ा रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, मेटल नाइट ने हीरो एसोसिएशन को मिशन ज्वाइन करने से मना क्यों कर दिया। जिन लोगों ने वन पंच मैन को स्टार्टिंग से देखा, मेरा मतलब रीड्रो वर्जन के साथ, उन्हें पता होगा मेटल नाइट ने मना क्यों किया है। इसका कारण ये है कि मेटल नाइट का जो प्लान था वो हीरो एसोसिएशन वालों को पसंद नहीं आया। मेटल नाइट का प्लान में ऐसा था कि
वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन पर मिसाइल से अटैक कर देगा और इससे पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन एक ही बार में उड़ जाएगा। लेकिन हीरो एसोसिएशन वालों को हॉस्टेज को भी बचाना था, जिसके कारण हीरो एसोसिएशन ने मना कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करना, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ सके, क्योंकि 100 चैप्टर पूरे होने आ गए लेकिन 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, इसलिए आपकी मदद की मुझे सख्त जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करिए।